हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिषा। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको दिखे ये संकेत तो समझ जाइए कि भगवान शनिदेव आपके ऊपर बहुत खुश है, यानी कि आपके सितारे चमकने वाले हैं। जहाँ दोस्तों बात करें, दोस्तों शनिवार के दिन आपको खास संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कर्म या न्याय के देवता जिया दोस्तों भगवान शनिदेव को पूजा जाता है। ये नैतिकता, न्याय, करियर, जीवन की उपलब्धियां, गुण और मूल्यों से संबंधित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव यदि आप पर मेहरबान हो जाए तो बड़े से बड़ी बाधा भी टल जाती है, और यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो जीवन में समस्या आने लगती है। अक्सर लोग भगवान शनिदेव की कुरु दृष्टि के रूप में ही जानते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन माना जाता है। लेकिन वास्तव में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत है जो ये निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके संतुष्ट है या नहीं है, यदि आप शनिवार के दिन इनमें से किसी भी संकेत को देखते हैं तो समझ लेना कि शनिदेव की कृपा जल्दी आपके घर में खुशहाली लाने वाली है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसे कुछ खास संकेत के बारे में। दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ऐसे कुछ खास संकेत के बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर एक, यात्रा में जाते समय पीपल का पेड़ देखना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हो और आपके रास्ते में कोई बड़ा पीपल का पेड़ दिख जाए जिसकी पूजा होती हो तो समझ लीजिए कि यात्रा आपकी सफल होगी और आपको जीवन में शुभ फल मिलेंगे। आप शनिवार के दिन पीपल में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और भगवान शनिदेव का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, नंबर दो, घर में किसी भिखारी का आगमन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि शनिवार के दिन आपके घर में कोई भिखारी आ जाए तो ये शनिदेव को प्रसन्न करने के संकेत है। दोस्तों, इस संकेत से आपके घर में लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी और आपको आर्थिक लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप भिखारी को सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दे। दोस्तों, इसके अलावा आप घर से बाहर जाते समय जो भी पहला जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे उससे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दे, इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नंबर तीन, काला कुत्ता दिखाई देना। यदि आपको शनिवार के दिन घर के आसपास कोई काला कुत्ता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके दिन फिरने वाले है और भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। ऐसा कोई भी संकेत आपके में तुरंत बदलाव ला सकता है। दोस्तों, काले कुत्ते को शनिदेव का संदेश वाहक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ते के माध्यम से भगवान शनिदेव आप तक अपनी उपस्थिति के संकेत देते हैं। शनिवार के दिन यदि आपको शनि मंदिर के सामने काला कुत्ता दिख जाए तो ये भी ज्यादा शुभ माना जाता है। आपका घर की सुख समृद्धि लाने वाले काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बरसेगी, यानी कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। दोस्तों, नंबर चार, घर में काला कौवा देखना। यदि शनिवार के दिन आपके घर की छत में काला कौवा आकर बोले तो समझ लेना कि भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है, ये संकेत दिखाई देते हैं। यदि कौवा आपकी छत में पानी पिए तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि शनिवार के दिन काला कौवा घर में दिखे तो आपकी सारी परेशानी बहुत ही जल्द दूर हो सकती है और आपको कई लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या भी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, नंबर पाँच, काली गाय और बछड़े को देखना। यदि आपको शनिवार के दिन कहीं बाहर जाते समय काली गाय दिखे और उसका बछड़ा दूध पीता हो, ये समझ लेना कि जल्दी आपकी समस्या दूर हो सकती है। यदि आप किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकले तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, शनिवार के दिन आप गाय को घी और गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो यह आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। यदि आपको शनिवार के दिन इनमें से भी आपको कोई एक संकेत मिलता है तो भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, जल्दी आपकी समस्या दूर होने वाली है और आपको धन से जुड़ी समस्या दूर होने वाली है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।